उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोरोना के साथ साथ धर्म और जाति की सियासत भी उफान पर है। ये तीनों वायरस प्रदेश की जनता पर अपना अपना रंग दिखा रहे हैं और तेजी से फैल भी रहे हैं। एक ओर जहां विकास दुबे के मामले में भाजपा से ब्राह्मण समाज की नाराजगी की खबरें आनी शुरू हुई, तो यूपी में विपक्षी दलों ने ब्राह्मण समाज को रिझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इन सब की वजह है 2022 में यूपी चुनाव, जिसके मद्देनजर सबका केंद्र बिंदु आज ब्राह्मण वोट बैंक पर है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और एक बार फिर हाजिर हूं यूपी तक पर। कानपुर में विकास दुबे कांड के बाद जाति की सियासत के रंग दिखे, तो राम मंदिर भूमि पूजन के बाद धर्म की सियासत ने धार्मिक उन्माद को जिंदगी देने की भरपूर कोशिश की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा सांसद शफीकुर रहमान ने राम मंदिर निर्माण पर सियासत शुरू कर दी। न्यायालय के फैसले के बाद शांति और सौहार्द का काबिले तारीफ माहौल बना था। अयोध्या विवाद खत्म हो चुका था, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ कुछ जहरीले बयानों ने धर्म की सियासत को भी गहरा दिया। इधर विकास दुबे मामले में भाजपा से ब्राह्मण समाज की नाराजगी की खबरें आने लगी थी, जिसके बाद यूपी में विपक्षी दलों ने ब्राह्मण समाज को रिझाने की कोशिशें तेज कर दी। समाजवादी पार्टी ने इस कोरोना काल में भगवान परशुराम की प्रतिमाएं लगाने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा और अन्य ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक में इस तरह की योजना की रूपरेखा तैयार की। तो दूसरी ओर मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि अगर यूपी में सत्ता मिली यानी सरकार में आई, तो ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम और सभी जातियों और धर्मों के जन्मे महान संतों के नाम पर अस्पताल खोलेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 11% है। यूपी की सियासत के किंग मेकर कहे जाने वाले इस सवर्ण जाति को वैसे तो भाजपा का पारंपरिक समर्थक कहा जाता है, लेकिन समय समय पर ब्राह्मण समाज का मिजाज बदलता रहता है। कभी वो कांग्रेस के साथ था, बीच में बसपा और सपा की कामयाबी में भी इस जाति के जन समर्थन का श्रेय जाता रहा है। और यही वजह है कि जब से भाजपा से इनकी नाराजगी का जिक्र छिड़ा है, तब से सपा के अलावा कांग्रेस और बसपा भी ब्राह्मणों पर डोरे डालने की तैयारी में है। कोरोना वायरस की तरह धर्म जाति का वायरस भी बेहद खतरनाक है। ये भी छूत की बीमारी की तरह तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में फैलने वाले कोरोना संक्रमण का जन्म चीन के वुहान शहर में हुआ था। भारत में धर्म और जाति की सियासत का वायरस उत्तर प्रदेश में फला फूला और इसने फिर पूरी भारतीय सियासत को दूषित किया। जब जाति की राजनीति का सर्प फन उठाता है, तो धर्म की सियासत का नेवला उसे चुनौती देने आ जाता है। ऐसे ही जाति की राजनीति करने वालों को शिकस्त देने वाले प्रतिद्वंदी धार्मिक कट्टरता का जहर घोलते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो एक बार फिर यूपी की सियासी जमीन पर सांप और नेवले की लड़ाई के संकेत देखे जा सकते हैं। धर्म की राजनीति जीतेगी या जाति की सियासत, अभी ये नहीं पता, पर कोई भी जीते, लेकिन इस सियासी लड़ाइयों के चक्कर में कोरोना को हराने की लड़ाई कमजोर पड़ रही है। दोस्तों, ऐसी यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक, क्योंकि यूपी तक पर सबसे ताजा अपडेट्स आपको मिलते हैं।